ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म किस प्रकार हुआ था। दोस्तों, रामायण में यह हुआ काल था जब प्रभु श्री राम के अधेर उम्र तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत ने उन्हें सलाह दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद ऋषि श्रृंग या साधारण बोलचाल की भाषा में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, वह उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था। अतः वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कमेष्टि यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कमेष्टि यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कमेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुए तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिला दीजिए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग यानी कि एक चौथाई दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा यानी कि 1/8 हिस्सा उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8 भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था। जब तक राजा कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते, तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण प्रभु श्री राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से जन्म लिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।